मामूकांजर से उसामा जुबैर की रिपोर्ट के मुताबिक मुहर्रम अल हराम के सिलसिला में असिस्टेंट कमिश्नर डॉक्टर राना औरंगजेब ने जलूसों के रूट्स का जायजा लेने के लिए मामूकांजर का विजिट किया, जहां इस मौके पर चीफ ऑफिसर तारक जावेद गंभो, बिल्डिंग इंस्पेक्टर नदीम, एसडीओ नवीदुल हसन और मकामी एसएचओ राय आसफ भी उनके हमराह थे। अपने विजिट के दौरान वो शिराजी हाउस भी गए, जहाँ मेंबर अमन कमेटी सैयद सादत हुसैन शिराजी, एडवोकेट डॉक्टर सैयद जवाद हुसैन शिराजी, सैयद काशफ हुसैन शिराजी, एडवोकेट सैयद सनम अब्बास शिराजी, सैयद शबाब हैदर शिराजी, सैयद हसनैन हैदर काजमी, सैयद मुर्तजा महदी उर्फ काके शाह के साथ मुहर्रम अल हराम के हवाले से अहम मीटिंग की। बाद में असिस्टेंट कमिश्नर ने आज़ादारों के हमराह मुहर्रम अल हराम के जुलूसों के रूट्स का विजिट किया, जहां सैयद सादत हुसैन शेराजी एडवोकेट ने इन्हें दरपेश मसाइल से आगाह किया, जो असिस्टेंट कमिश्नर ने फौरी हल करवाने की यकीन दहानी करवाई। इस मौके पर तमाम महकमों के अफसरान को निशानदही करदा मसाइल हल करने की फौरी हिदायत की। इस मौके पर उन्होंने पुलिस को सिक्योरिटी प्रूफ इंतजाम करने की हिदायत की।